गुड मॉर्निंग ऑल। मॉर्निंग मैडम। कल हमने देखा अपना फेट लाइन, उस वो कैसे बनता है और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से एक्ट करता है और फिर क्या उसके यूज़ होते हैं, मतलब हम उसको कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आज हम देखते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम का सेकंड वाला क्लासिफिकेशन, या सेकंड वाला जो हमने कैरेक्टराइज करा है वो है हमारा हाइड्रोलिक लाइम। फेट लाइम होता है सबसे पहला, सेकंड होता है हाइड्रोलिक लाइम और थर्ड होता है हमारा पुअर लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम देखते हैं। दिस इज लाइम इज ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम। ठीक है, इस लाइम को जैसे कि हम हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब क्या होता है हमारा वाटर, है ना, हाइड्रा हाइड्रो। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है हाइड्रोलिक लाइम, तो इस लाइम के अंदर क्या कंटेंट होगा, लाइम के साथ में वाटर। ठीक है, दिस लाइम इज ऑल्सो नॉन एज वाटर लाइम, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑल्सो वाटर लाइम भी बोलते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लाइम भी बोलते हैं। एंड इट सेट्स अंडर वाटर, ये क्या होता है हमारे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी सेट हो जाता है, मतलब अगर पानी के अंदर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्या होता है, सेट हो जाता है। इट कंटेन्स क्ले, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, किन किन कंटेंट से मिलकर ये बनता है, तो इसमें क्ले होती है एंड सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड। एक तो हमारी क्ले पाई जाती है और दूसरा हमारे फेरस के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्ले द हाइड्रोलिक लाइम इज डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। हमारा क्ले का परसेंटेज कम है ज़्यादा है किस रेंज में लाई करता है, उस हिसाब से हमने वापस से इन हाइड्रोलिक लाइम को तीन हिस्सों में बांट लिया है, या तीन भागों में बांट लिया। ठीक है, सबसे पहला आ रहा है हमारा फिबली हाइड्रोलिक लाइम, सेकेंड आता है हमारा मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम और थर्ड आता है हमारा एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, फॉलोइंग फैक्ट शुड बी नोटेड, कौन से हमको फैक्ट या कौन से बातें नोट करनी चाहिए, तो वो है द इंक्रीज इन परसेंट ऑफ क्ले मेक्स द स्लेकिंग डिफरेंट एंड इंक्रीज हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज परसेंटेज ऑफ क्ले, अगर क्ले का भाग उसमें ज़्यादा है या क्ले उसमें ज़्यादा पाई जाती है तो वो क्या करेगी, हमारे लाइम को अलग तरीके से तो हमारा फिबली हाइड्रोलिक लाइम होता है, दूसरा मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम होता है और थर्ड वाला एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है। फॉलोइंग फैक्ट शुड बी नोटेड, ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं हाइड्रोलिक लाइम के बारे में जो हमको नोटिस करने लायक है। द इंक्रीज इन परसेंट ऑफ क्ले मेक्स लेकिंग डिफरेंट एंड इंक्रीज इन हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। क्या होता है, अगर हमारी क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है हमारे लाइम में तो ये क्या होता है, हमारा स्लेकिंग अलग तरीके से होता है। मतलब स्लेकिंग क्या होता है ये सबको क्लियर है ना, जब पानी उसमें मिलता है और मिक्सिंग की प्रोसेस होती है वो होती है स्लेकिंग। स्लेकिंग के अंदर हो सकता है कि लाइम, हमारा जो लाइम के पेस्ट का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो सकता है,
सॉरी परसेंटेज नहीं, वॉल्यूम, आयतन हमारा इंक्रीज हो सकता है स्लेकिंग के प्रोसेस के अंदर। जैसे हम चूने में पानी मिलाते हैं या चूना पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो वो उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ इंक्रीज करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है, तो ये स्लेकिंग के प्रोसेस को हमने एक डिफरेंट नाम दिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि कॉन्क्रीट में हमारा पानी मिलाते हैं मगर उसमें इंस्टेंट या तो परसेंटेज का इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, ये सारी प्रोसेस नहीं होती, मगर हमारे लाइम के अंदर ये सारी डिफरेंट प्रोसेस होती, इसलिए हमने बोला स्लेकिंग इसको। आई बात समझ में? देखते हैं हम फिर क्या होता है, हमारा इंक्रीज इन हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, जो उसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी रहती है उसमें भी क्या आ जाता है, राइज आ जाता है। किसके कारण? अगर हमारी क्ले का परसेंटेज हाई है, या हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि हमारा क्ले के परसेंटेज पे, एक सेकंड यार, हम देख रहे थे हाइड्रोलिक लाइन, हमने देखा जैसे कि हमारा क्ले का परसेंटेज इसमें हमारे क्ले के परसेंटेज में क्या डिपेंडिंग होती है, इसकी स्लेकिंग। स्लेकिंग मतलब क्या करा था, जब चूना मिलाते हम, चूने में पानी मिलाते हैं, वो वाली जो प्रोसेस होती है स्लेकिंग, क्यों डिफरेंट होती है हमारी, क्योंकि हम जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो वो एक अलग तरीके से एक्ट करती है। वहीं हम बात करते हैं स्लेकिंग की, तो स्लेकिंग अलग प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, बजाय के सिंपल हमारा जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिमेन्स रहता है उसके बजाय। ठीक है, तो हमने देखा इंक्रीज द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, हमारी जो लाइम होती है उसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी में भी इंक्रीमेंट करता है हमारा जो क्ले होता है। विथ अबाउट 30% ऑफ क्ले, अगर 30% के अबाउट हमने क्ले हमारा मिला हुआ है किसके अंदर के, हमारे हाइड्रोलिक लाइम के अंदर, तो क्या करेगा, रिजेंबल नेचुरल सीमेंट। कैसे एक्ट करेगा वो, नेचुरल सीमेंट जैसे एक्ट करेगा। सीमेंट या सीमेंटिंग, सीमेंट क्या काम करता है, हमारा जो सीमेंट होता है वो क्या काम करता है, जॉइंट बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग मटेरियल मैडम, बाइंड करता है, तो
बाइंड होता है। बेसिकली जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सीमेंट बोलते हैं। मतलब जरूरी नहीं है सीमेंट बोला है तो उस जगह पर पे सीमेंट आ गई। सीमेंट, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी मतलब जोड़े रखने की प्रॉपर्टी। सीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल या फिर जोड़े रखने वाला मटेरियल हमारा। तो अगर 30% के अबाउट हमारा क्ले मिला हुआ है किसमें? हाइड्रोलिक लाइम में, तो वो कैसी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा? नेचुरल सीमेंटिंग जैसी। मतलब जैसे नेचुरल सीमेंट हमारी प्रॉपर्टी रहती है कि कैसे बाइंडिंग वाली प्रॉपर्टी उसमें रहती है। कौन सा गुण रहता है? जोड़े रखने का। किन दो चीज़ों को जोड़े रखने का? अपने मटेरियल को जोड़े रखने का, अपनी रेती को जोड़े रखने का, अपने एग्रीगेट को जोड़े रखने का। तो वही प्रॉपर्टी अगर हमारे क्ले में सॉरी अगर हमारे लाइम में 30% के अबाउट क्ले है तो वो कैसी प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है? सीमेंट जैसी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द हाइड्रोलिक लाइम कैन सेट अंडर द वॉटर इन थिक वॉल। क्या बोल रहे हैं? हमारा जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो कैसे सेट होता है? अंडर वाटर में, पानी के अंदर में मोटी दीवारों के रूप में सेट हो जाता है। इन थिक वॉल वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, मैंने कल आप थे संजय मेरी क्लास में, तीन चीज बताई थी प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग। किस प्रकार के मटेरियल थे? एक अपना है ना, ये देखा था आपने कल संजय, एयर बाइंडिंग मटेरियल जो हवा में सेट होते हैं या हवा में बाइंड होते हैं। हाँ। फिर हमने देखा था हाइड्रोलिक बाइंडिंग, मतलब जो पानी और हवा दोनों के मिक्सचर में सेट होते हैं या फिर बाइंड होते हैं। और थर्ड थर्ड वाला जो हमारा था, जो किसकी प्रेजेंस में सेट हो रहा था? अपनी स्टीम की प्रेजेंस में। ठीक है। तो वहीं हम बात करते हैं हमारी हाइड्रोलिक लाइम की। तो ये क्या बोल रहे हैं? हमारे अंडर वाटर पानी में भी क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं। और हमारी थिक वॉल जिसमें अगर फ्री एयर का सर्कुलेशन नहीं होता, मतलब एयर नहीं रहती है, वहां भी ये सेट हो जाते। एयर नहीं है, पानी है, वहां भी क्या हो जा रहा है? हमारा हाइड्रोलिक लाइम सेट हो जाता है। ठीक है। हाँ हाँ। तो हाइड्रोलिक की बात है तो हाइड्रोलिक लाइम नाम से ही समझ आता है। हमारे हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल मतलब वे पदार्थ या वे मटेरियल जो हमारे मतलब हाइड्रा मतलब पानी में सेट होते हैं और हवा में भी सेट हो जाते हैं। एयर बाइंडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ एयर में सेट होते हैं। ऑटोक्लेव मतलब काय में सेट होते हैं या काय में हार्डन होते हैं, हमारी भाप के अंदर में। ठीक है। ये तीन मटेरियल बताए थे, उस हिसाब से हमने देख रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो तीन तरह से हम उसको बांटते हैं, फ्रीबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम और एनिमेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है। द हाइड्रोलिक लाइम कैन सेट इन वाटर, वही चीज़ बोल रहे हैं कि पानी में भी ये अच्छे से सेट हो जाते हैं, जहाँ पे हवा का प्योर सर्कुलेशन नहीं रहता है वहाँ भी ये सेट हो जाते हैं। ठीक है। कलर की बात करते हैं, द कलर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज नॉट परफेक्टली वाइट। हाइड्रोलिक लाइम को जब हम देखते हैं तब वो पूरा वाइट कलर का हमारा हाइड्रोलिक लाइम नहीं रहता है। इट देयर फॉर अपियर्स लेस सैनिटरी देन फैट लाइम। कैसा रहता है? लेस, थोड़ा सा फैट लाइम जैसे हमारा वाइट कलर का रहता है जो फूलता है। ठीक है। हमने सबसे पहला पढ़ा था फैट लाइम, वही हम पढ़ रहे सेकेंड वाला हाइड्रोलिक लाइम। तो ये वाला फैट लाइम से थोड़ा सा कैसा मटमेला या सैनिटरी कलर का होता है, मतलब वाइट से थोड़ा सा गंदा या मटमेला टाइप का हाइड्रोलिक लाइम जो होता है। ठीक है। जी मैम। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, इट फॉर्म्स अ थिन पेस्ट इन वाटर। पानी के अंदर ही कैसा पतला पेस्ट बनाता है, पानी के साथ में जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? एक अपना थिन पेस्ट बनाता है, पतला पेस्ट बनाता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, मगर ये क्या होता है? पानी में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर थ्रू इट फ्रिक्वेंटली चेंज्ड। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, धीरे धीरे अपना रूप परिवर्तन हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? जब हम हाइड्रोलिक लाइम में पानी मिलाते हैं तो ये कैसा? एक पतला पेस्ट मिलाता है, मगर पेस्ट बनाता है मगर पूरा घुलता नहीं है। ठीक है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। देखो मिट्टी की क्या चीज रहती है, मिट्टी जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ कि आपने एक मग्गे में पानी लिया, ठीक है, जो व्हाइट कलर का, और मिट्टी ली। अब मिट्टी हो सकती है कुछ कंकड़ भी होंगे, कुछ पत्थर भी होंगे, कुछ बिल्कुल पाउडर जैसी भी होगी। तो क्या बोल रहे हैं? अपने जो पाउडर वाली मिट्टी रहेगी वो पूरी घुल जाएगी और कैसा कलर दे देगी? गंदा सा मटमेला सा कलर दे देगी पानी का, है ना। और वहीं क्या होंगे? जो हमारे कंकड़ होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है।
थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो गए। मिट्टी की भी प्रॉपर्टी होती है कि थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है और कुछ कुछ हमारे पानी को मटमेला बनाए रखती, मतलब घुली हुई ही रहती है। उसकी बात कर रहे हैं अपन, देख रहे हैं, क्योंकि हमने मिट्टी को पानी के साथ मिला करके देखा या हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं अपने हाइड्रोलिक लाइम की, तो ये कैसा रहता है कि पानी के साथ थीन पेस्ट बनाता है, एक पतला पेस्ट बनाता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ये पानी में क्या होता है, घुलता भी नहीं है, पूरी तरह से घुलता नहीं है, पतला पेस्ट बनाता है और घुलता भी नहीं है। मतलब अगर हमने पूरी तरह से क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होता जाता है। मतलब पानी की प्रॉपर्टी अलग रहेगी और हमारे हाइड्रोलिक लाइम की प्रॉपर्टी अलग रहती है। मैं कैसे उदाहरण दूँ, आपने तेल के अंदर पानी देखा है क्या, है ना? तेल जो खाना बनाते हैं उसमें पानी अगर होता है, या पानी के छींटे होता है, या पानी के अंदर तेल देखा हो, तो कैसे होते हैं दोनों एक दूसरे में, मतलब एक दूसरे के साथ में रहते तो है मगर पूरे घुलनशील नहीं रहते। मगर एग्जैक्ट हमारा हाइड्रोलिक लाइम वैसा नहीं रहता है, घुला हुआ ये पानी में ही रहता है, मगर फिर भी पूर्ण तरह से हमारा पानी में नहीं घुलता है। मतलब थोड़ी देर अगर हम उसको रख देंगे या सेट होने देंगे तो पानी अलग अलग हो जाएगा और हमारा हाइड्रोलिक लाइम अलग हो जाएगा। वहीं अगर मिट्टी की बात करते तो हमारा मिट्टी अगर हमारी पानी में घुल गई है तो वो कैसा मटमेला सा ही कलर देगी जब तक कि वो सेट नहीं होगी। अब वो चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी फिटकरी मिला देते हैं। तो फिटकरी से क्या होता है, हमारे सारे गंदे कण मिल जाते हैं और भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं, एलम, है ना? जब हमने WES पढ़ा था तब वाटर के ट्रीटमेंट पढ़े थे। अब 6th पॉइंट हम देखते हैं, इफ हाइड्रोलिक लाइम इज टू बी यूज फॉर प्लास्टर वर्क, इट इज टू बी ग्राउंड इन फाइन पाउडर, देन इट इज मिक्सड विद द सैंड द मोर्टार सैंड द मोर्टार दस प्रिपेयर इज केप्ट एज हीप फॉर 1 वीक और सो, एंड दिस एंड देन ग्राउंड अगेन। सच मोर्टार कैन बी देन यूज फॉर प्लास्टर वर्क। क्या बोल रहे हैं, इफ हाइड्रोलिक लाइम इज टू बी यूज फॉर द प्लास्टर वर्क, अगर हमने हाइड्रोलिक लाइम को प्लास्टर वर्क के लिए यूज करना है, ठीक है, प्लास्टर वर्क मतलब छपाई करने के लिए, ठीक है। इट इज टू बी ग्राउंड, इसको क्या करेंगे हम, ग्राउंड कर लेंगे फाइन पाउडर में। अगर ये लम्स या गट्टलों के फॉर्म में होंगे या डल्लों के फॉर्म में होंगे तो हमको इसको काय में ग्राइंड करना पड़ेगा, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, फाइन पाउडर में हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड देन इट इज मिक्सड विद द सैंड, फिर क्या करते हैं हम इसको सैंड के साथ में मिक्स करके क्या बनाते हैं, मोर्टार, ठीक है, मोर्टार बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर्ड इज केप्ट एज अ हीप फॉर द 1 वीक और सो ऑन। इसको काय के लिए, इसको प्रिपेयर्ड करने के बाद बोल रहे हैं कि एक हफ्ते तक इनको इसको छोड़ देना पड़ता है। जी मैम, इसमें पानी नहीं मिलाया गया है, ठीक है, इस प्रोसेस में पानी नहीं मिलाया गया है ना। मोटर बना रहे हैं मगर इसमें अभी हमने पानी नहीं मिलाया। मोर्टार कैसे बनता है, सैंड और सीमेंट को मिला दिया, चाहे सैंड और लाइम को मिला दिया तो लाइम मोर्टार बन गया। तो ये बोल रहे हैं हमारा जो हाइड्रोलिक लाइम है, पहले हमको इसको पाउडर में बनाना पड़ेगा, फिर सैंड के साथ में मिक्स करना पड़ेगा, और जो इसका हीप है मतलब इसका जो ढेर है उसको हमको एक हफ्ते तक या और उससे ज़्यादा समय तक हमको छोड़ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं फिर इसको वापस से ग्राउंड करना पड़ेगा। ग्राउंड करना मतलब उसको पूरे गट्टले को वापस से एक जैसा करेंगे। और सच मोर्टार कैन बी यूज फॉर द प्लास्टर वर्क, फिर उस मोर्टार को हम प्लास्टर वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 सेकंड आप रुकना, इसका यस मैडम। है ना, स्टार्ट विथ एन एम्प्टी मिक्सचर, ठीक है, खाली मिक्सचर। हमारे पास मिक्सर है, कौन सा, मशीन वाला या जो भी हमको हाथ से मिलाना है तो हाथ से मिक्स करेंगे, ठीक है। स्टार्ट विद एम्प्टी मिक्सचर, एड 1 पार्ट ऑफ सैंड, मतलब एक पार्ट या एक कटोरी या एक जो भी हम नाप ले रहे हैं उससे हमने क्या लिया, सैंड लिया। फिर हमने क्या करा, उतना ही एक पार्ट वापस से लाइम का लिया, ठीक है, चूने का लिया, फॉलोड बाय 1.5 पार्ट्स ऑफ सेंड। वापिस से हमको मतलब 1:2 का हम मोटार पेस्ट बनाएंगे तो हमने उतना ही सेंड वापस से मिक्स करा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 5th वाला पॉइंट पढ़ना, मिक्स ड्राई फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। 5 मिनट तक हमने उसको क्या करा, ड्राई मिक्स करा,
ठीक है, 5 मिनट तक हमने उसको सूखा मिलाया। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद एड वाटर अंटिल डिजायर कंसिस्टेंसी इज रीच्ड। मतलब हम इस तरह का मोर्टार तो सीमेंट के साथ भी बनाते ही है, ठीक है। पहले कोई सा भी मटेरियल हो, हमको उसको सूखा मिक्स करना रहता है। क्यों सूखा मिक्स करना रहता है? क्योंकि हमको होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए रहता है। हम अगर पानी मिला देते हैं तो हो सकता है पानी के कारण वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जब बाटी बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, तुरंत क्या होता है उसको हाथ से मिक्स करना रहता है। हाथ से क्यों मिक्स करते हैं? ताकि अपना जीरा, राई, नमक हर हर आटे के पार्ट में पहुंच जाए, ठीक है। ये सबसे बेसिक उदाहरण है, इसलिए मैं दे रही हूँ आपको। वहीं हम बात करते हैं, अगर मोर्टार हम बना रहे हैं, कंक्रीट हम बना रहे हैं, तो हमने क्या पहले सूखा कंस्टिट्यूएंट मिक्स कर लिया, कौन सा कितना डालना है, उसके बाद में सूखी तरह से हमको इसको अच्छे से मिलाना है। फिर हमने क्या करना है, कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम उसमें अपना जो भी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, मतलब कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, या क्या हमारे लाइम की कंसिस्टेंसी है, उतना पानी हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो इस प्रोसेस से हम देखते हैं कि हमारा लाइम मोर्टार प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। आई बात समझ में आती है? यस मैडम। मैडम ये चूने की लाइन जो बिछाते हैं, ये कौन सा लाइन होता है हमारा? छूने का क्या? आउटलाइन डालते हैं ना प्लॉट पे। वो वाला, वो तो पुअर चूना हो सकता है, ठीक है। पुअर चूना सबसे सस्ता, हम उस जगह पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। मिक्स करके कलर वाला, वो तो सबसे बेसिक चूना होता है, ठीक है। और वो पेंटिंग में यूज आता है वो? वो हमारा फेट लाइम होता है। कल पढ़ाया था, आप नहीं आए थे कल, मैंने बताया था उसको अपने संजय को। कलर वाला चुना। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे?